हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हेडेक के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे हम डिस्कस करेंगे वेरियस हेडिंग्स में। सो फर्स्ट हेडिंग वुड बी एज ऑलवेज इंट्रोडक्शन। इंट्रो, व्हाट इज हेडेक? इट इज अ वेरी अनप्लेजेंट सेंसेशन or experience associated with actual or potential damage to tissues। पेन तब होता है जब हमारे बॉडी के टिश्यू का जो एक्चुअल डैमेज हुआ हो या डैमेज होने वाला हो और बॉडी हमें उसको सेंसेशन दे रही हो, उसका सिग्नल दे रही हो, तब हमें पेन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ह्यूमन कंप्लेन इज हेडेक। मोस्ट कॉमन One complaint is headache। ठीक है, it could be of two types। Primary headache, secondary headache। Primary headache is benign in nature। It is due to underlying cause, due to underlying cause। Primary headache example, migraine, tension type headache या cluster headache। ओके, सेकेंडरी हेडेक के एग्जांपल्स या इसके कॉजेस, इट कुड बी स्ट्रक्चर वेस्कुलर लाइक हेमरेज और इन्फार्क्ट, कुड बी इडियोपैथिक। ठीक, ओके, One should diagnose a headache as a primary headache only after ruling out secondary headache। हम किसी भी पेशेंट को ये कि इसको माइग्रेन है या TTH है, cluster headache है, तब बोलेंगे जब हमने सेकेंडरी कॉजेज नोट कर लिए हों, बिकॉज इट कुड बी अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ऑल्सो, जस्ट लाइक हेमरेज या इनफार्क्ट के अंदर, या कोई स्ट्रक्चर में डैमेज हुआ है उस वजह से कोई हेडेक हो रहा है, तो वो भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ठीक है, Now we'll study about some examples of headache। Recurrent headache, could be example of primary headache, sudden onset, sudden onset headache, it could be meningitis, ठीक है, progressive headache, progressive headache could be due to increased इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेंस्ट्रुअल हेडेक। मेंस्ट्रुअल
हेडेक हैपन्स ड्यूरिंग मेंसेस. एक होता है मॉर्निंग हेडेक, इट कुड बी ड्यू टू हाइपरटेंशन. ठीक है, एक और कॉज आता है जो कि बहुत ज्यादा एक कॉज है हेडेक का, ऑफ्थैल्मिक हेडेक. ऑफ्थैल्मिक हेडेक ड्यू टू ऑफ्थैल्मिक इटियोलॉजी. जब किसी पेशेंट को हेडेक के लिए स्क्रीन करते हैं तो जरूरी है कि उसकी आंखों का चश्मे का नंबर भी चेक करवाया जाए. ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है हेडेक का, ठीक है, जो कि अननोटिस निकल जाता है. नेक्स्ट, एज. माइग्रेन अकर्स बिटवीन 25 टू 40 इयर्स मेनली इन फीमेल्स. टेंशन टाइप हेडेक अकर्स बिटवीन 35 टू 50 इयर्स ऑफ एज. क्लस्टर हेडेक mainly occurs after 50 years. ठीक है, अब बात आती है कि इन तीनों में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए केवल हिस्ट्री से. तो माइग्रेन के बारे में मैंने एक दूसरी वीडियो में बात की है, प्लीज उसको जाके एक बार देखिएगा, अच्छी वीडियो है. अब हम बात करते हैं टीटीएच और क्लस्टर हेडेक. टेंशन टाइप हेडेक का जो पेशेंट है, इट विल कंप्लेन कि मेरा जो हेडेक है वो बाइलेटरल है, टेम्पोरल है. ठीक है, एंड टेंशन एंड हेडेक पेशेंट वॉन्ट्स टू सिट एंड रिलैक्स. जो क्लस्टर हेडेक का पेशेंट है, इट कुड बी बाइलेटरल, मोस्ट कॉमनली बाइलेटरल, बट कुड बी यूनिलेटरल ऑल्सो. कैन बी यूनिलेटरल, नॉट एवरी टाइम. इसकी लोकेशन टेम्पोरल, पेराइटल हो सकती है, और ये पेशेंट कभी भी रिलैक्स नहीं बैठ सकता. कांट सिट और रिलैक्स. हे कॉन्स्टेंट, वो लगातार घर में घूमता रहेगा, कमरे में घूमता रहेगा, आराम से नहीं बैठेगा. सेम कोज माइग्रेन का, माइग्रेन जो माइग्रेन का पेशेंट होगा वो भी आराम करना चाहेगा, सिट और रिलैक्स. माइग्रेन का पेशेंट भी आराम करना चाहेगा. क्लस्टर हेडेक ऐसा हेडेक है इसका पेशेंट कभी भी आपको आराम करता हुआ नहीं मिलेगा. ये इसका मोस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की. इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले सीबीसी, ईएसआर, एबीजी, एलएफटी, केएफटी, ये हम करा सकते हैं. इमेजिंग मोडलिटी में एमआरआई इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. एमआरआई इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोजिंग हेडेक. ओके, प्रिवेंशन
identify aggravating factors for prevention. हम हेडेक को तो ये प्रिवेंट कर पाएंगे जब मालूम पड़ेगा इसका मेन कॉज क्या है, टेंशन टाइप हेडेक है, माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है. एंड सेम गोज मैनेजमेंट, हम किसी हेडेक को तो ही मैनेज कर सकते हैं जो पता हो कि ये किस वजह से हो रहा है. मोस्ट कॉमनली हम हेडेक को मैनेज कर सकते हैं वो है पैरासिटामोल, मोस्ट कॉमन एनल्जेसिक, सेफ प्रोफाइल एनल्जेसिक, बेस्ट सेफ्टी प्रोफाइल. सेकेंड टैबलेट नेक्सडॉम, ठीक है, एस्प्रिन, ओके, या प्रोपनलॉल. सपोर्टिव थेरेपी हेडेक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Hope we'll meet again. Thank you.